परियोजना के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण लामबंद होकर ग्राम बिलासपुर के बरासनी मंदिर प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह से ग्रामीणों ने कहा कि इस परियोजना से पूरा क्षेत्र डूब जाएगा, मूल व्यवस्था चौपट हो जाएगी, गरीब किसान सड़क पर आ जाएगा, जिन कारणों से उक्त परियोजना को निरस्त किया जाए। इस अवसर पर बांधवगढ़ विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया और कहा कि परियोजना ग्रामीणों की सहमति से ही निर्माण होगी। विदेदों की कटनी और उमरिया के करीब 15 गांवों में महानदी वृहत परियोजना का निर्माण होना है, जो करीब 28.69 लाख की लागत से जल संसाधन विभाग कटनी को निर्माण करना है। इस परियोजना में जिले के 6 गांव बिलासपुर, बिरसिंहपुर, झांपी, झुलमिली, कोटलदे, जेतपुरे, माणिकपुर सहित कटनी के 9 गांव प्रभावित होंगे। इस परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई है। इन हालातों में प्रभावित गांव के गरीब किसानों का विरोध होना शासन की चिंता का विषय है। देखना होगा कि शासन इस पूरे मामले में ग्रामीण किसानों की समस्याओं को कैसे निराकरण करेगा। गौरतलब है कि पूर्व में भी अत्रिया जलाशय योजना में ग्रामीणों का विरोध प्रमुखता से मुखर हुआ था। हालांकि बाद में तत्कालीन कलेक्टर जिले की श्रीवास्तव की अगुवाई में ग्रामीणों की समझाइश के बाद उक्त अत्रिया जलाशय योजना को प्रारंभ किया गया था। वंदे भारत न्यूज से उमरिया से अरुण द्विवेदी की रिपोर्ट। ठाकुर सुरेश सिंह, कटनी जिले के अंतर्गत महानदी में बांध के निर्माण कराने के संबंध में शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस बांध के विरोध में हम लोग निरस्त करना चाहते हैं। कैसे पता चला यहाँ पर बांध के बारे में? इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से यह अचानक जानकारी लगी। पूर्व अधिकारी जबलपुर परियोजना के जल संसाधन SDO साहब के माध्यम से कि ग्राम पंचायत कटरिया एवं अतरिया एवं बिलासपुर, उमरिया जिला एवं कटनी जिला के मध्य में महानदी में बृहद सिंचाई योजना के तहत बांध का निर्माण करा किया जाना है, जिसमें प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर 19,62,19,62,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। जिस दिन से हम समय क्षेत्रवासियों को यह जानकारी लगी कि ग्राम ठीमरकेड़ा ब्लैक के अंतर्गत 14 ग्रामों को चिन्हित किया गया है, पूरे क्षेत्रवासियों में एकदम हलचल मच गई कि बांध का निर्माण होना है, हम आप कहाँ जाएंगे, कहाँ विस्थापन करेंगे, किस जगह में जगह खरीदेंगे। हमने तो आज तक किसी प्रकार की कोई बांध निर्माण के संबंध में कोई मांगे ही नहीं की गई। प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक तरफा निर्णय लेकर इस प्रकार की परियोजना को यहाँ लागू किया गया। हम संपूर्ण क्षेत्रवासियों की यह मांग है कि यह डैम को निरस्त किया जाए। सरकार डैम बनाती तो क्या करेंगे? सरकार अगर डैम बनाती तो अगर डैम बनाती है बिना क्षेत्रवासियों के सहयोग से, तो चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटने देंगे। और सामूहिक रूप से उमरिया जिले और कटनी जिले के जितने भी हम नागरिक हैं, इसका हम विरोध जारी रखेंगे और इसके बारे में अपना आमरण अनशन भी जिला मुख्यालय कलेक्टर महोदय के यहाँ हम धरना प्रदर्शित करेंगे। हमें जो जानकारी मिली के ज्ञापन के माध्यम से कि कटनी जिले के ढीमरखेड़ा गाँव हो, वहाँ महानदी बृहद परियोजना हो का कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रशासनिक स्वीकृति है और उसमें नंबर भी मेंशन किया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे लोगों का कहना कि कुछ कटनी जिले गांव प्रभावित हो रहे हैं, कुछ उमरिया जिले के गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके विरोध स्वरूप इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है और हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। जी आज यह संघर्ष समिति महानदी परियोजना, जो आपने सुना होगा अभी कई बार बातें आई, महानदी संघर्ष परियोजना
समिति आज का आज बिलासपुर की एक महाबैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में मैं बता दूं, यह बैठक का आयोजन किया गया था कि हमारे यहाँ महानदी में एक बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा है, जिसे बृहद महानदी सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। उस योजना के तहत अभी तक 2018 में सर्वे हुआ, अभी तक वो क्रियान्वयन के और उसका एएस भी हो गया है, प्रशासन की स्वीकृति जारी हो चुकी है, तब तक हमें कोई जानकारी नहीं हुई। अचानक जो है तो ऑनलाइन माध्यम से जो है तो हमें जानकारी मिली। हम चाहते हैं कि यह जो बृहद सिंचाई परियोजना है यह तुरंत निरस्त करें। हम यह भी देखते आए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी भाइयों के बहुत समीप हैं, उनके लिए कई कई नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, उनके लिए कई तरह की योजनाएं लेकर के उन्हें लाभान्वित करते हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि उन आदिवासी भाइयों का जमीन भी और घर भी, और वो बेघर हो जाएंगे और बाहर जाकर के वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, और ऐसी योजना का क्या करेंगे वह। इसलिए मैं बहुत ही और आभार और अभिनंदन से और निवेदन करता हूँ इस मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस बृहद सिंचाई परियोजना को तत्काल निरस्त करे, ताकि हमारा यह जो पूरा बाहुल्य क्षेत्र जो आदिवासी भरा हुआ है यह जो संतुष्ट हो सके। आज आदिवासी जो है बहुत ही और निराश और बहुत ही दयनीय और भुखमरी स्थिति में जा चुका है। राजनंदिनी प्रजापति, आपसे तो बांध बनने वाला है, पर आप क्या चाहेंगे? नहीं, हमको बांध नहीं चाहिए, बांध निरस्त करना है हमको, क्योंकि हमारा खेत नहीं है तो हमारे कुछ चारा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके। हमको बांध नहीं चाहिए, डैम नहीं चाहिए, निरस्त करना है हमको। बांध बनने से जमीन खेती योग्य हो जाती है, सरकार मुआवजा देती है? नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको डैम नहीं बनवाना है यहाँ। बांध नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हम नहीं चाहते कि बांधे बांध। हम कहाँ जाएंगे? नहीं चाहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अनाथ, हम कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव में बांध बंधे। तो बांध बंधने से क्या है, आपका गांव डूब में आ रहा है? हाँ, गांव डूब में आ रहा है। हम नहीं चाहते कि बांधे हमारे गांव में, हम नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं चाहते कि हमारे गांव में बांधे बांध।